मुझे तो क्लियर हार्ट बीट सुनाई दे रही है। लगता है बुखार की वजह से हार्ट थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसलिए हार्ट बीट पीछे से सुनाई दे रही है। आंटी आप भी सुनिए। मुझे भी सुनाई दे रही है अच्छी खासी हार्ट बीट। आप भी सुन लीजिए डॉक्टर साहब। ये कैसे हो रहा है? लगता है अब आपकी तबीयत ठीक हो रही है डॉक्टर। मुझे आर्या की बीमारी थोड़ी अजीब लग रही है, अब उसे इंजेक्शन देना ही होगा। इंजेक्शन से इसके फीवर वीवर सब भाग जाएंगे। ओह, हम एलियंस की स्किन तो इतनी थिक होती है कि इस इंजेक्शन का नीडल अंदर जाएगा ही नहीं, कहीं पकड़े ना जाए। ये कोड याद करने के चक्कर में कहीं मुझे ही एलियन फ्लू ना हो जाए। सुप्रीमो से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ऊपर से अभिमन्यु मुझे फोन करके मेरी टेंशन और बढ़ा रहा है। अरे हाँ, मेरी रिंगटोन का ट्यून ही तो सुप्रीमो से कांटेक्ट करने का कोड है। ये मिल गया कोड। अरे अरे अरे, छोटी बच्ची इंजेक्शन से डर रही है। डरो मत बेटा, डरो मत। इंजेक्शन से डर नहीं लगता, ह्यूमन से डर लगता है। इंजेक्शन लगा लो बेटा। रुको, कहाँ जा रही हो? अभिमन्यु, आर्या को पकड़ने में मेरी मदद करो। ओके 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 आंटी, आता हूँ। अरे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? इस डॉक्टर के बच्चे को मैं अपनी बच्ची के पास नहीं जाने दूंगी। आर्या, तुम्हें इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। आर्या, तुम कितना भी भागो, मैं तुम्हें आज पकड़ कर ही रहूंगी। अभिमन्यु, पकड़ो उसे। हाँ हाँ आंटी, अभी पकड़ता हूँ उसको। आर्या रुक जाओ। मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवा कर ही रहूंगी। नहीं नहीं। सुप्रीमो ने कहा है आर्या को एलियन फ्लू से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट देना होगा। अरे अब इन ह्यूमंस के सामने हम आर्या को चार्ज भी नहीं कर सकते। सोचो कुकी, अगर पकड़े गए तो कहीं हमें यहाँ की पुलिस अरेस्ट ना कर ले, और फिर जो इलेक्ट्रिक शॉक मिलेंगे वो अलग। इलेक्ट्रिक शॉक, क्या आइडिया, वो तो हम ही दे सकते हैं तेज अगन से। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हो नवीन? सॉरी मिसेस गोडाला। आर्या, इंजेक्शन लगवा लो। मैं आ रहा हूँ इंजेक्शन लेकर। आर्या, तुम्हें इंजेक्शन आखिर लग ही गया, अब तो तुम मुंह खोल सकती हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाल बाल बच्चे। वरना आर्या की जुबान खुलते ही हमारी पोल खुल जाती। अरे लेकिन तुम्हें ठीक करने वाले डॉक्टर कहाँ गए? अरे डॉक्टर साहब, आपको क्या हो गया? लगता है इन डॉक्टर को अब डॉक्टर की जरूरत है।